हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो विषय मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है सपने में कैंची देखना। जो सीज़र होती है उसको देखना, उसको यूज़ करना, उसको चलाना या उसको पकड़े देखना खुद को, विभिन्न अवस्थाओं के बारे में मैं आज आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगी कि यदि आपको ऐसा सपना आया है तो आपके आने वाले भविष्य में आपको क्या फल जो है प्राप्त होने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बोलूँगी, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि भगवान आपको क्या संकेत देना चाहते हैं आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, हमारी हिंदू ड्रीमोलॉजी के अकॉर्डिंग सपने में कैंची चलाते हुए खुद को देखना ये एक अत्यंत अशुभ सपना माना गया है। बहुत ही बुरा और बहुत ही मनहूस सपना जो है हमारी हिंदू धर्म के अनुसार ये माना गया है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है, विद इन वन मंथ, विद इन वन वीक, मतलब ऐसा सपना आने के तुरंत बाद जो है आपका किसी से जो है फिजूल का झगड़ा हो सकता है, बिना मतलब के जो है आपकी लड़ाई हो सकती है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी किसी से इतनी गंभीर जो है लड़ाई हो सकती है, वो भी छोटी सी बात पे वो आपके साथ होने वाला है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कोई भी बात जो है बिना सोचे समझे मत कीजिए और बिना किसी दूसरे के झगड़े में स्पेशली आप बीच में जंप मत करिए, क्योंकि हो सकता है वो सारा झगड़ा जो है आप पे आ जाए और आपकी जो है आपके साथ जो है बुरा हो जाए। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी, यदि आपने सपने में देखा है कि कोई दूसरा जो है वो कैंची चला रहा है, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, आपकी कोई फैमिली हो, या आपका कोई नॉन हो, कोई अननोन हो, कोई भी दूसरा जो है, अगर वो खुद मतलब आप उसको सपने में कैंची यूज़ करते हुए देखते हैं, कैंची चलाते हुए देखते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो है उस इंसान के साथ जो है झगड़ा होने वाला है। हो सकता है कि आपने किसी फैमिली में से किसी इंसान को देखा हो, तो आपका जो है उस इंसान के साथ झगड़ा हो जाएगा। अगर कोई अननोन को आपने देखा है तो आपका फिर उसके साथ झगड़ा होगा, लेकिन आप उसको नहीं जानते हो, कोई भी ऐसा संजोग बनेगा जिसकी वजह से कि आप उसके करीब जाओगे और उससे आपकी फाइट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, यदि आपने सपने में सिंपली सीज़र को देखा है, कैंची को देखा है, तो इसका अर्थ होता है कि आपके जो है बनते हुए कार्य जो हैं वो बिगड़ेंगे, कार्यों में आपके विघ्न पड़ सकता है। जो भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, हो सकता है आप कोई बिजनेस का स्टार्टअप करने जा रहे हैं या कोई जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कुछ भी शुभ यात्रा कहीं कहीं जा रहे हो आप, उस कार्य में जो है विघ्न पड़ेगा, वो कार्य जो है आपका नहीं बनेगा। मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आपको क्या उपाय करना चाहिए जिसकी वजह से कि इस ड्रीम के, इस बुरे सपने के जो बैड इफेक्ट है वो दूर हो जाएंगे और एक नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे। उसके बाद दोस्तों, यदि आपने सपने में देखा है कि आपने अगर सिंपली कैंची को पकड़ा है, तो इसका अर्थ है, ये भी एक बुरा सपना माना गया है हमारी हिंदू ड्रीमोलॉजी में, ऐसा माना जाता है कि आप जो है किसी झगड़े का कारण बनेंगे, आपके कारण जो है कोई झगड़ा होगा, बहुत बड़ा झगड़ा होगा। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि स्टे अवे फ्रॉम फ्रॉड्स, किसी के साथ गलत मत कीजिए या किसी के साथ कोई फाइट में मत पड़िए जो जिसका कि कारण आप बन जाए और सारा नाम जो है आपके ऊपर आ जाए। तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे लड़ाई वाला माहौल बन रहा है वहाँ पे आसपास में फटकिए भी मत। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताया था कि मैं आपको उपाय बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए जो है इस सपने के बुरे प्रभाव को ख़त्म करने के लिए। आपको जो है लोहा दान करना चाहिए, शनिदेव मंदिर में जाके आपको लोहा चढ़ाना चाहिए, चाहे एक छोटा सा आप कील ले जाइए, है ना, जो कील होता है या जो नट होता है, कुछ भी उसको लेके आप जाके शनिदेव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यकीनन ही आपके जो है सपने का बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताती हूँ कि यदि आप स्त्री हो तो रात को सोने से पहले अपने बालों को बांध लीजिए, स्पेशली अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो बालों को खुले छोड़ के मत सोइए, क्योंकि सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके बालों में आ जाती है और जिसकी वजह से आपको बहुत बुरे सपने आते हैं और आपकी आगे की ज़िंदगी जो है वो भी कठिनाइयों से भर जाती है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी जो है बिना पैर धोए बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए सोने से पहले, यदि आपको बुरे सपने आते हैं। यूजुअली भी आपको जो है पैर धो के ही सोना चाहिए। दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है जो कि आपको इस तरह का सपना आता है।
दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं आप उनसे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब आपको लगता है कि जो आसपास के लोग हैं, जो सोसाइटी है, ये आपके किसी काम की नहीं है, इनसे आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। इवन उल्टा नेगेटिविटी जो है आपकी लाइफ में जब आ रही होती है तो आपको जो है सीज़र के सपने जो हैं अक्सर दिखाई देते हैं। और अगर आपको एक बार सीज़र का सपना दिखाई दिया तो डोंट वरी अबाउट इट, और अगर आपको 2-3 बार यही सपना रिपीट हो रहा है तो फिर आपको जो है इस सपने के बारे में अध्ययन करने की ज़रूरत है, इसका उपाय करने की ज़रूरत, जो कि ज़िंदगी में आपको बुरे फलों से बचाएगा। दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ 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 प्रेस द बेल आइकन बटन एंड ड्रॉप अ कमेंट आपको वीडियो कैसी लगती हैं हमारी और आपको किस टॉपिक पे जो है अगली वीडियो चाहिए। धन्यवाद।